हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन एग्जाम। इस चीज की फरमाइश अनेक विद्यार्थियों ने की है। हर एक कोई प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है, सभी को फुल मार्क्स चाहिए, और उसके लिए होता है कि कोई रास्ता, कोई उपाय, कोई जुगत किसी तरह से भी हो जाए, बस फुल मार्क्स हो जाए। तो पूरे अंक प्राप्त करने की जो ये महत्वाकांक्षा है, शुभ है, अच्छी है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। बहुत बड़ा विषय है, फुल मार्क्स चाहिए ना, पूरे अंक। तो पूरे अंक पाने के लिए बात को पूरे कलेवर में समझना पड़ेगा, उसकी पूरी गहराई में, उसकी ऊंचाई में, यानी हर एंगल से उस बात को समझना होगा। तो समझने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिससे आगे आने वाली बातों के साथ इस कहानी को जोड़कर मैं इस बात को स्पष्ट कर सकूं। कहानी क्या है कि एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि भाई, तू प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है, ठीक बात है, पर उससे पहले एक काम कर कि बाजार जाओ और जाकर 2 किलो दूध ले आओ। और उन्होंने उसको 100 रुपए दिए और उसको ये भी कहा कि अगर कुछ थोड़ा बहुत मन करे रास्ते में तो कुछ खा भी लेना, अगर भूख लगे थोड़ा बहुत। तो वो विद्यार्थी अपना पैसे लेके गया, रास्ते में उसका मन किया, गोलगप्पे दिखाई दिए, गोलगप्पे खा लिए, चाट पकौड़ी, भल्ले पापड़ी और जो भी कुछ चीजें मन को लुभाती हैं, धीरे धीरे उसने काफी पैसे खा पी कर उसमें खर्च कर दिए। और जब वो दूध वाले के पास पहुंचा तो उसने उससे कहा कि 2 किलो दूध दे दो भैया। दूध वाले ने कहा कि लाओ 80 रुपए। वो बोला, मेरे पास तो 10 रुपए बचे हैं, 80 कहां से लाऊं। तो दूध वाले ने उससे कहा कि भैया, अब तो दूध तुम्हें नहीं मिलेगा, 10 रुपए में 2 किलो दूध नहीं मिलेगा, 80 रुपए लाओ तब मिलेगा। अब 100 रुपए में से वो 90 रुपए खर्च कर चुका, अब बताओ उसे 2 किलो दूध कैसे मिले। ये जो 2 किलो दूध हैं, ये 2 किलो दूध फुल मार्क्स हैं, यानी पूरे अंक। तो अब उसको वो 2 किलो दूध क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है, रास्ते में सारे खर्च कर दिए। अब इस बात को हम विद्यार्थी की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन मैं इस बात को थोड़े से वैज्ञानिक ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर इस बात को समझ लिया तो फुल मार्क्स की तरफ आपके कदम समझ लो उठ ही गए। तो आओ थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से इस बात को भी समझते हैं, चलते हैं। इसके लिए जो समझने वाली सबसे पहली बात है वो है हाउ टू कंसंट्रेट इन एग्जामिनेशन विदाउट फियर। बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के आप निर्भय होकर परीक्षा भवन में बैठें, ये सबसे पहली बात है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें अपने नर्वस सिस्टम को देखना होगा। तो मैं पहले आपको अपने नर्वस सिस्टम पर ले चलता हूँ कि इंसानी नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। आप देख रहे हैं कि मस्तिष्क, उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। मस्तिष्क कोई भी चीज को जब ग्रहण करता है तो उसको सबसे पहले वो स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है, वहां से फिर वो सारी तरंगे सब जगह के नर्व्स में जाती हैं। अब जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो बैठते ही हमारा सबसे पहला डर क्या होता है कि कहीं हम अपने नंबर ना खो दें। डर के 3 तरह के डर मुख्य होते हैं, लूजिंग मार्क्स, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने नंबर कम कर दें। तो पहला डर तो वहीं बैठ गया कि नंबर कम ना आ जाए। क्यों कम ना आ जाए, अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न ना आ जाए जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की, जिनका हमें पूर्वाभास भी नहीं था, जिसको आउट ऑफ सिलेबस भी कहा जाता है कई बार, या ऐसे प्रश्न जिनको हम छोड़ चुके होते हैं कि ये तो आ ही नहीं सकते, और वो आ जाए, ये डर। फिर तीसरा, टफ क्वेश्चंस, कि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आ जाएं कि जो बहुत मुश्किल है, जिन्हें हम कर ना पाए। तो इन तीनों डर के साथ हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं। तो परीक्षा भवन में जब व्यक्ति गया तो डरा हुआ गया।
अब डरे हुए जाने के बाद क्या होता है, घबरा जाते हैं पूरी तरह से, तो जो याद है वो भी भूलने लगता है। तो ऐसा कैसे हो कि हाउ नॉट टू फॉरगेट व्हाट यू हैव स्टडीड, जो भी आपने पढ़ाई की है उसे आप ना भूलें, उसके लिए क्या किया जाए फिर, उसका भी तो कोई उपाय होना चाहिए ना। तो पहला तो ये हो गया था हमारा, आवर फियर्स, क्लोजिंग मार्क्स, अनप्रडिक्टेबल क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस। फिर उसके बाद ये होता है मन में कि किस तरह से हम उन सब चीज़ों को बचा लें जो हमने अपने लिए संजो कर रखी हैं। तो अब उनको बचाने का एक तरीका होता है कि क्या हमने उनको ठीक से अपनी मेमोरी में रख लिया। तो मेमोरी में रखने से पहले था कि क्या हमने उनको मेमोरी में रखने के लिए अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक ढंग से किया या नहीं किया। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात आती है। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि उस कहानी में वो बहुत सारे पैसे खर्च करता चला गया बच्चा, आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचा। तो वो पैसे क्या थे, वो हमारी एनर्जी थी। अब आपके पास अगर 100 रुपए की एनर्जी है तो अब देखिए उस एनर्जी में क्या किया जाता है, कि ऐसा क्या हो कि हमारा समय वेस्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं कि अपना कितना समय जो हमारे को पैसे दिए गए वो पैसे हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, यानी अपनी एनर्जी को, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, वीडियो गेम्स, और आखिर में इन सब का सबसे बड़ा महान नेता पबजी, जिसमें आदमी खो गया तो खो गया। अब आप देखिए इतनी जगह जो आपके पास 100% एनर्जी थी, वो सारी एनर्जी आपने इतनी जगह पर खर्च कर दी। और जब दूध लेने का टाइम आया, यानी फुल मार्क्स लेने का टाइम आया, वहां जाए तो आपके पास कुछ मिला ही नहीं, खाली हाथ हैं आप, क्योंकि वही एनर्जी थी आपकी जो आपको आपकी हर चीज को टाइम मैनेजमेंट के द्वारा की गई, याद की गई हर चीज को आपकी इस मेमोरी में ले जाते, आप उसको अपनी मेमोरी में रख पाते, लेकिन वो नहीं हुआ। तो मस्तिष्क में बहुत सारे सवाल होते हैं, दिमाग घूमता रहता है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो सार क्या कि जो एनर्जी आपको मिली थी उस एनर्जी का आपने क्या किया, बहा दिया उसे व्यर्थ में, वही आपकी शक्ति बनती याद करने की, तो आप उसे याद ना कर सके। तो उम्मीद है कि इस एक भाग को आप समझे होंगे कि हमारा शरीर किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि तो हमारी जो ऊर्जा है उसी ऊर्जा से हमें सारे काम लेने, और एक सीमित ऊर्जा है हमारे पास, लिमिटेड एनर्जी। अगर उस लिमिटेड एनर्जी को हम इधर उधर वेस्ट कर देंगे तो वो हमारे लिए शक्ति नहीं बनेगी। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे आपको एक खेल खेलने जाना है, और उस खेल से पहले आपका कोई कॉम्पिटिशन है, मान लीजिए आपको फुटबॉल का खेल खेलना है, और उससे पहले आप अपने आप को पूरा दिन बहुत थका लें इधर उधर के काम करके, और उसके बाद जब आप खेल के मैदान में जाएंगे तो क्या होगा, आप पहले से ही डरे हुए होंगे। क्यों डरे हुए होंगे, आपको लगता है आपका शरीर बिल्कुल थका हुआ है, आप कैसे खेलेंगे, दूसरी टीम पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, सब पता होता है अपने भीतर का कि हमने कितनी मेहनत की है। तो परीक्षा में जाते समय डर क्यों लगता है, क्योंकि पता है कि उतने ढंग से हमने तैयारी नहीं की है। तो तैयारी नहीं की है तो वो डर और हावी हो जाता है। जो अच्छे योद्धा होते हैं, अच्छे वॉरियर होते हैं, या अच्छे खिलाड़ी होते हैं, वो तो खुश होते हैं जिस दिन युद्ध होता है या परीक्षा होती है, वो कहते हैं हमारी पूरी तैयारी है। मैंने कई बार उन बच्चों से बात की जो टॉपर बच्चे हैं, मैंने उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा कल परीक्षा ले ली जाए तो, कल ही तुम्हारी परीक्षा हो जाए तब क्या करोगे, तो उनका कुछ नहीं, हम तैयार हैं परीक्षा देने के लिए, हमें सब याद है। अब ये जो कॉन्फिडेंस है कि हमें सब याद है, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया, कि उन्होंने उस टाइम मैनेजमेंट के अनुसार उन बाकी चीजों को छोड़ दिया जो जरूरी नहीं थी। अब ये सारी चीजें जो मैंने अभी गिनाई आपको, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, पबजी और ये दुनिया भर की चीजें, ये सब क्या हैं, ये विद्यार्थी के लिए बहुत गैर जरूरी चीजें हैं, अननेसेसरी, इनकी कोई जरूरत नहीं, या जरूरत हो भी तो बहुत सीमित। जैसे उस गुरु ने अपने शिष्य से क्या कहा कि थोड़ा बहुत खर्च भी लेना, कुछ मन करे थोड़ा बहुत खा भी लेना, थोड़ा बहुत, लेकिन उसने क्या किया, सारा पैसा उड़ा दिया। तुम सारी एनर्जी अपनी उड़ा दो तो कैसे होगा।
मैंने एक जगह एक प्रयोग किया छोटा सा, मैं बताता हूं। जो बच्चे बैठे थे उनको मैंने बहुत सारी शीट्स दी, एक वर्कशॉप थी मेरी, सबको मैंने शीट दी और मैंने कहा देखो तुम सब बच्चों को मैंने कोई सिलेबस नहीं बताया, अभी मैं तुम्हारा एग्जाम ले रहा हूं और मैं ये दावे से कहता हूं कि लगभग हर बच्चा पूरे अंक लेकर आएगा, यानी फुल मार्क्स हर बच्चा। तो इनमें से वो बच्चे हाथ खड़े करें जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है इस समय, आत्मविश्वास नहीं है, और जो ये मानकर चलते हैं कि बिना सिलेबस कहीं से भी हमारा एग्जाम लिया जा रहा है, हम कैसे दे सकते हैं, तो हम फुल मार्क्स नहीं ला सकते। सिर्फ वो बच्चे हाथ खड़े करें, तो लगभग 80% बच्चों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, 80% उनके हाथ खड़े थे। वो ये मान रहे थे कि फुल मार्क्स आ ही नहीं सकते क्योंकि आपने सिलेबस नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, और आप मार्क्स ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं। खैर मैंने कहा तुम एग्जाम दो, शीट्स रख दी और मैंने उनको क्वेश्चन पेपर दिया। क्वेश्चन पेपर क्या था कि 1 से 100 तक गिनती लिखो, काउंटिंग 1 to 100, और A to Z लिखो, ये दिया, और कुछ दिए कि वारों के नाम लिखो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जनवरी फरवरी मंथ्स के नाम लिखो। मैंने कहा कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए, 10 मार्क्स का पेपर बनाया, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस एक एग्जाम। सब बच्चे देख देख के हंस रहे थे एक दूसरे को, उनकी आंखें बता रही थी कि हम तो फुल मार्क्स लेकर ही आएंगे, और सभी के लगभग 10 में से 10 थे, सभी बच्चों के। मैंने उनसे कहा तुम्हारे को ना सिलेबस बताया मैंने, ना कुछ बताया, ऑल ऑफ ए सडन एग्जाम ले लिया, तुम सबके 10 में से 10 नंबर, ऐसा क्यों? तो वो कहते ये कोई एग्जाम था, ये तो हमें सब याद था, हमें सब पता है। मैंने कहा यही बात, क्यों पता है तुमको? क्योंकि ये काउंटिंग, अल्फाबेट्स, मंथ्स नेम, डेज नेम, ये सब तुमने इतनी बार दोहराए हैं कि ये तुम्हारे अब खून का एक हिस्सा बन चुके हैं, इतना तुमने इनको याद किया है, तो अब इनको कभी भी कोई किसी भी समय पूछ ले, तो दैट थिंग इज सेम थिंग इज एप्लीकेबल ऑन योर सिलेबस। यदि तुम अपने पाठ्यक्रम के साथ भी ऐसा व्यवहार करो कि वो जो बाकी सब जगह की एनर्जी को बचाकर तुम सिर्फ उसी पर टारगेट करो, तो हर चैप्टर तुमको इतने अच्छे से याद हो जाएगा कि तुम कह सकते हो कि कभी भी किसी भी समय हमारी परीक्षा ले ली जाए। टॉपर बच्चा क्या करता है? टॉपर को सब आता है तभी तो वो टॉपर है। अब सवाल है क्यों सब आता है? क्योंकि उसने सब पढ़ा होता है। सवाल है सब क्यों पढ़ा होता है? क्योंकि उसने अपने जीवन की ऊर्जा का समय व्यर्थ की चीजों में नष्ट नहीं किया होता। बस ये छोटी सी बात समझ ली है। बात छोटी है बहुत बड़ी। बड़ी क्यों? प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। कैसे छोड़ोगे तुम व्हाट्सएप, गेम, दोस्तों से गपशप, टेलीविजन, सबसे बड़ी चीज नहीं छोड़ सकते ना। तो जब नहीं छोड़ सकते तो ये भी मत कहो कि हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन एग्जाम्स। अगर चाहिए छोड़ दो इनको, बिल्कुल छोड़ दो। ये साधना का समय है। विद्यार्थी जीवन पूरी तरह से विद्या के अध्ययन के लिए बना है, पूरी तरह से। विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी का पूरा धर्म निभाओ। जो पूरा धर्म निभाते हैं वो पाते हैं, सीधी सी बात। तो समझ रहे होगे, कहा है ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा बूडन डरा, रहा किनारे बैठ। कि जिन्होंने खोजा है उन्होंने ही मोतियों को पाया है, और मैं डूबने से डरता रहा इसलिए मैं मोती भी प्राप्त नहीं कर सका, किनारे बैठा रहा। तो डूबना किसमें है? विद्या के अंदर, पढ़ाई में, स्टडी में। जो स्टडी में जितना ज्यादा डूबेगा उतने ज्यादा वो फुल मार्क्स के मोती निकाल कर लाएगा। बहुत सीधा सा गणित है। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने मन को थोड़ा संयमित कीजिए, अनावश्यक चीजों का बिल्कुल त्याग कीजिए, और एकाग्रचित्त से, सबसे बड़ी बात, अब यहां एक और अंतिम बात महत्वपूर्ण,
कि हम यूं ही पढ़ने बैठ जाते हैं जब बैठते हैं, ऐसे नहीं। पढ़ने से पहले हमें नमस्कार करना है, हाथ जोड़कर अपने मन को स्थिर करना है और उस परम पिता परमेश्वर से, वो जो विराट शक्ति है, उससे प्रार्थना करनी है कि हम जो भी याद कर रहे हैं उसमें तू हमारा सहयोगी बन, क्योंकि बिना उसकी कृपा प्राप्त किए विद्या भी प्राप्त नहीं होती। पुरुषार्थ आप कर रहे हैं ना, तो पुरुषार्थ सार्थक हो उसके लिए उससे प्रार्थना, उससे प्रार्थना करने से क्या होता है, मन स्थिर होना शुरू होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन की शक्ति बढ़ती है और वो शक्ति तुमको एक केंद्र पर ले जाकर कार्य करवाती है, तुम्हारी सारी एनर्जी एक बिंदु पर जाकर टिक जाती है फिर, और वो बिना प्रार्थना के नहीं होता। तो आंख बंद करके पढ़ने से पहले 5 या 10 मिनट बैठकर कोई भी जाप किया जाए, जो आपके आराध्य देव हों, इष्ट देव हों, उनका जाप हो, या यूं ही आंख बंद करके शांत बैठ जाएं और स्मरण करते रहें मन में, उस सुंदर भाव लाएं, उस विराट शक्ति के प्रति धन्यवाद से भरें, सहयोग की उससे प्रार्थना करें। ये बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी बात यह है कोई भी चीज शुरू करने से, क्योंकि उसके कृपा से ही ये बाकी चीजें तुम छोड़ सकोगे। जीवन में जो भी अननेसेसरी है वो उसकी कृपा बिना नहीं होता। तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कि राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। तो ये जो अच्छा संग मिलेगा आपको, सत्संग, जो किताबों का सत्संग मिलेगा, वो कब सुलभ होगा, जब उससे प्रार्थना करेंगे तो वो शक्ति देगा आपको। मन तो बड़ा कमजोर है ना, मन तो इन सब चीजों में बह जाएगा जो नए नए विज्ञान के मनोरंजन के साधन आए हैं। तो बस इतना ही समझिए कि अपनी ऊर्जा को बचाना है, व्यर्थ की चीजों से हटाना है और सिर्फ अपनी शक्ति को, पूरी शक्ति को लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपनी विद्या के अंदर, और फिर देखिए आपका सोना कुंदन बन के निकलेगा और फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और यह अंतिम बात, ये सबको ख्याल में रख लेनी बहुत जरूरी है कि आपने पूरी मेहनत की, पूरा प्रयास किया, पूरा पुरुषार्थ किया, हर चीज वो की जो आपको फुल मार्क्स दिला सकती थी, फिर भी फुल मार्क्स नहीं आए, कम आ गए, तो निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते रहे कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल देने का अधिकार मेरा है। आप लोगों ने मेहनत की, यही सुख काफी होना चाहिए कि मैंने बहुत मेहनत की। अब रिजल्ट नहीं आ पाया, उसके बहुत सारे कारण हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छा पेपर किया, लेकिन जो चेक करने वाला था, हो सकता है उसकी मनस्थिति इस समय कुछ और थी, किसी और मेंटेलिटी में वो बैठा था और तुम्हारे पेपर के साथ वो न्याय नहीं कर पाया, या अन्य अनेक बहुत सारे कारण हो जाते हैं। तो अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा एफर्ट 100% है और उसके बाद भी सक्सेस ना मिले, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। उस नाकामयाबी को भी सेलिब्रेट करो और देखो ना, हर चीज अनुकूल थी। भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, 100 में से 100 मार्क्स मिलने थे, फुल मार्क्स, लेकिन उसके बाद देखो क्या हुआ, सब जानते हैं, उनको वनवास के लिए जाना पड़ा। देखते हैं ना, लोगों से एक जरा जरा सी छोटी छोटी सी कुर्सियां नहीं छोड़ी जाती, और वो तो पूरा साम्राज्य छोड़कर चले गए। क्या आपने वनवास जाते समय भगवान राम को दुखी देखा? क्या उन्होंने कहा मेरा तो राज सिंहासन पर बैठने का योग था और मैं वनवास को जा रहा हूं? कितनी हंसी खुशी वो वनवास को गए हैं, बाकी सब लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, लेकिन राम बिल्कुल सहज भाव से जा रहे हैं, बिल्कुल बड़े प्रसन्न मन से वन को जा रहे हैं। उनके लिए कोई फर्क ही नहीं है, राजपाट नहीं मिला कोई बात नहीं। तो ऐसी मन की स्थिति के लिए भी तैयार रहें कि अगर कभी जीवन में सफलता मिलनी है और नहीं मिली, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत मौके हैं, और सबसे बड़ी चीज तो अपने मन की खुशी है, मन को खुश रखना है। तो शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।